अच्छा ऐसा ही। हाँ जी भूपेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। आज पंचम द नाइट है और उनके गाने गाए जाएंगे, तो कुछ कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, जो अमूमन तौर पर लोगों को नहीं मालूम, कुछ सीक्रेट्स आप रिवील करना चाहें। पंचम का ये 77th बर्थडे है और आज हम सब उसी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पंचम से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती थी और बहुत साल 30 साल के करीब इकट्ठे काम किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के इस प्रोग्राम को नितिन साहब ने जो ऑर्गेनाइज किया है, ये डन ए वंडरफुल जॉब, बहुत उन्होंने तैयारी की है, मेहनत की है, एंड एवरीबॉडी इज़ वेरी हैप्पी, दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग, और अच्छी एक ट्रेडिशन रखी है, उसमें एक केक भी काटेंगे। सो पंचम इज ए फिनोमेना, बहुत बड़ी चीज़ हुई है और बहुत ही बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ है वो, जो वो सोचता था वो बहुत से लोग नहीं सोच सकते थे म्यूज़िक के बारे में। सो आई रियली वी वर वेरी क्लोज, यू नो, वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड यूजली मोस्टली टुगेदर पिक्चर देखना, म्यूज़िक सुनना, और all type of things, you see. So I miss him a lot, you know, like, but everybody has to go, but I'm glad that people are remembering him by celebrating his birthdays and his death anniversary. It's a wonderful thing, people have taken it up, you see. They won't let Pancham go anywhere, you know, he's going to be here only all the time. बहुत गाने हैं अभी, पंचम के सारे गाने इतने अच्छे थे, यू नो, बिकॉज हमें तुमसे प्यार कितना, इट इज़ सो मच, यू नो, लाइक ऑन ए क्लासिक बेस, यू सी, और उसमें बाकी के जितने भी गाने, आने वाला कल पल जो है, जाने को जाने वाला है, आई हैड प्लेड डबल 12-स्ट्रिंग गिटार इन दैट, तो ऐसे ही बहुत सारे मेरे अपने गाने इतने पॉपुलर हैं जो कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, और बीतना बीता ही रहना है, सो जो सबसे पॉपुलर, ये सब बहुत ही पॉपुलर गाने हैं, और अपना हुजूर इस कदर भी नहीं इतरा के लिए, ही वॉज ए वर्सेटाइल म्यूजिक डायरेक्टर, एनी टाइप ऑफ म्यूजिक, यू नो, एनी टाइप ऑफ कंपोजिशन, ही यूज्ड टू हैंडल इट वेरी नाइसली। थैंक यू सो मच सर, और हम चाहेंगे ये इवनिंग आपको बहुत मेमोरेबल रहे और काफ़ी इन्जॉय कर पाए आज की शो। एन्जॉय तो कभी मैं समझा नहीं, मैं आपको ये कह रहा था कि थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया, और हम चाहेंगे आप ये शाम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएं। थैंक यू सो मच। मैं दो लाइनें गा दीजिए, किसके हैं, कोई भी एक अच्छा गाना आपको लगे, गाना क्यों गाने के, अच्छा, बीती ना बिताई रहना बिरह की जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। मैं आप सबको पंचम के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, एंड एन्जॉय ऑल ऑफ यू एन्जॉय योर सेल्फ, एंड wish you all a very good evening, this Pancham's evening, and God bless you all. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Bedali ma'am, a very warm welcome to this conversation. Aaj janmadin hai, Pancham da night hai, to kya yaad aata hai, kuch baatein jo aap batana chahe hame, aur viewers bhi jaan ke khush honge baaton, kuch aisa kuch किस किस से कुछ कहानी। एक तो बहुत खुशी हो रही हुई है कि आज सिर्फ मैं, भूपी और बहुत सारे आशा जी, उत्तम जी, सुरेश जी और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और इसका श्रेय जाता है नितिन जी को कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, सबको इकट्ठे किए हैं। और पंचमदा के बारे में क्या कहना, वो बहुत एक जिंदा दिल इंसान थे, जब मैं मिली थी इतना लाइवली, एकदम लाइव वायर की तरह जिस तरह से म्यूज़िक सोचते थे, और मुझे सौभाग्य ये हुआ था कि मैंने 4 बंगाली गाने उन्होंने कंपोज़ किया था मुझे गाने के लिए और रिकॉर्ड किया था, और उस वक्त
एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर एक अपकमिंग बहुत न्यू, तब तो कॉलेज में मैं पढ़ती थी, उनको इतना रिलैक्स कर दिया था मुझे वो, मैं डरी डरी मैं गई थी, लेकिन बहुत एनकरेज करते हैं, बहुत कम मिलता है ऐसे लोग, नहीं तो उस मकाम पे कोई भी लोग होते ना, अच्छा मैं कौन हूँ, अच्छा कौन तुम ऐसे हो, बहुत लोग ऐसे एटीट्यूड वाले, ही नेवर हैड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, ही ऑलवेज एनकरेज्ड। और मैं क्या कहूँ, जब जानती नहीं थी, हमारे घर में आर डी बर्मन का मैडनेस अगर आपको देखना है, मेरे भाई बहनों ने, मैं अभी गाने सुन रही थी और मैं, मुझे गुजबम्स आ रहे थे कि ये सब गाने सुनते हुए बड़े हुए। और ही इज़ ए ऑलराउंडर म्यूजिशंस, आई मीन अगर पिया तू अब तू आजा भी कंपोज किया है, रैना बीती जाए भी कंपोज किया है, जितना क्लासिकल का उनका एक होल्ड था उतना ही वेस्टर्न का जो एक उनको, उनके अंदर जो एक था वेस्टर्न बीट्स एंड अलग अलग साउंड, अलग अलग मतलब कुछ गाने की उठान एक फॉर्मूला ओरिएंटेड कंपोजिशन नहीं होता था, जो होता है ना कि एक फार्मूला बेस्ड, जैसा एक गाना है आशा जी का, हाँ मेरे गम तो उठा लेता है गम खार नहीं, हाँ मेरे गम तो हाँ मेरे गम, यहाँ से गाना उठता है, ये बहुत कम म्यूज़िक डायरेक्टर से मैंने सुना है। सो वी यूज़ टू फॉलो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड मैं शायर बदनाम, मतलब बोलों के साथ सुरों का जो एक कॉम्बिनेशन वो सोचते थे बहुत अलग थे, मतलब आज तक एक पंचम पैदा नहीं हुआ। तो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। और पंचमदा जब, क्या बोलूँ मैं, जब हमारे कोर्टशिप चल रहा था गोपी जा गोपी जा गोपी के साथ, तो उन्होंने पहली बार मुझे जब गाना सिखाने बुलाए थे म्यूज़िक रूम में, तो पहली बार बोले 10 मिनट सिर्फ मेरे पास ये बोले कि गोपी बहुत अच्छा लड़का है और गोपी इतना अच्छा घर से, इतने अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। मुझे लगा गाना गवाने बुलाया या कुछ और ही, मतलब शादी ब्याह की बात कर रहे हैं। तो इनकी दोस्ती इतनी थी, बट ही वॉज़ ए वंडरफुल ह्यूमन बींग टू, ही वॉज़ ए गुड कुक। मेरे साथ जब भी, बिकॉज आई एम ए बंगाली, तो मुझे हमेशा बोलते थे अच्छा मटन कैसे बनाते हो, रेसिपीज सब शेयर करते थे। एंड आपको पता है उनके छत पे वो मिर्ची के पेड़ उगाते थे, कुछ 30 टाइप के मिर्चियाँ होती थी, मुझे डिस्क्राइब करते थे कि इसमें तीखा है, इसमें कलर है, इसमें सेंट है। सो ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट एंड ही हैड द टेस्ट ऑफ ऑल गुड थिंग्स। ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। एंड एक्चुअली 4 बंगाली गाने जो गाया था मैंने, वो गाना एक जानी ना कि कोरे दिन काटिए लां, ये गाना फिर बसरा में दिया था गाना उन्होंने। उसमें 4 गाने और है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी उनके गाने तो बहुत सारे गाने जो मुझे, एक तो है तेरे लिए पलकों पे, सॉरी मैं बोल भूल रही हूँ, ये मत, मैं बोल याद नहीं आ रहा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो मेरा वो सामान लौटा दो। वैसे भूपी ने एक उनकी याद में एक गाना रिकॉर्ड किया है जो गुलजार साहब ने लिखा है, याद है पंचम, जो हमारे एक प्राइवेट एल्बम में डाला है। तो उस वो गाना अगर आप सुनेंगे, प्लीज़ सुनिएगा, टाइम्स म्यूज़िक से है, तो उसमें सारे फीलिंग्स जो है गोपी जी ने, हाँ पूरा मतलब पंचमता के बारे में एक्सप्लेन किया है उस गाने के ज़रिए। थैंक यू, वी आर रियली एंजॉइंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
राजू सर प्लीज साउंड तो मैं एडिट कर देता हूँ, बाहर चल रहा है ना।